मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इस आज के पहले दो पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। एक पिटीशन में जो प्रेयर थी वो ये थी कि वो हिंडनबर्ग जिसने रिपोर्ट पब्लिश की है उसके ऊपर एफआईआर कराई जाए। दूसरी पिटीशन में ये सजेशन दिया हुआ था कि जो 500 से करोड़ से ज्यादा के लोन है उन लोन की देखरेख के लिए कमेटी बनाई जाए। ये दोनों पिटीशन चल रही थी, तब जाके फिर डॉक्टर जया ठाकुर ने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने सारी एजेंसियों को पार्टी बनाया, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये तथ्य उजागर किए हैं, वी आर नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है या गलत है या सही है, पर जिस तरीके से जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है इस रिपोर्ट के आने के बाद में, जी तो हम लोग उन्होंने इसमें ये प्रेयर की थी कि ये जांच करा ली जाए फेयर तरीके से, ताकि इन्वेस्टर का और कॉमन मैन का कॉन्फिडेंस बना रहे मार्केट पे। और जिस तरीके के एलिगेशन आए हैं ये काफी सीरियस नेचर के एलिगेशन है, और इस पे और इसके पहले भी काफी सारी रिपोर्ट आती रही हैं, पर दिस इज द ट्रिगर पॉइंट कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ सके। इसके लेके हम लोगों ने प्रेयर की थी कि जो 9 एजेंसी हम लोगों ने रिस्पोंडेंट के रूप में बनाई हुई थी उनके थ्रू उनकी जांच शुरू करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में, और साथ ही साथ जो एसबीआई और एलआईसी का जो रोल रहा है इस दौरान, जिस तरीके से उन्होंने 1600 1800 के जो शेयर थे उनको 3200 में परचेज किया, और ये सारी चीजें, तो इस पे भी जांच की जाए कि ये किसके कहने पे जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक फंड है, उसका मिसयूज कैसे किया गया है, इस पे भी जांच की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन जब चूंकि आज बंद लिफाफे में जो नाम दिए जा रहे थे तो कोर्ट उसको ओपन करके देख रहा था, तब हम लोगों ने ये कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया कि ये जो पिटीशन है, हमारी जो प्रेयर है, कंप्लीटली डिफरेंट है। हम इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं सिटिंग जज के थ्रू, और ये हमारी प्रेयर है। देन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिंदु बार उस पर चर्चा की, जी और इस नतीजे पे पहुंचे कि जो जिस तरीके की कमेटी बनाई जा रही है वो एक सरकारी कमेटी रह जाएगी अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने प्राइमा फेसी ऑब्जर्व किया कि हम ऐसी कमेटी बनाएं जिसको सारे पावर भी दें, और साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोऑपरेट करने के लिए भी कहें। इस तरीके का जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, इस तरीके के एक ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं वो मैंने आपके सामने बताई। जी क्या क्या वो नाम सामने आए हैं? सो बंद लिफाफे में जो नाम दिए गए थे, क्या वो नाम सामने भी आए हैं, या वो बंद लिफाफा अदालत ने देख के वापस बंद कर दिया? जिस तरीके के जो हम लोगों को दी गई थी, हमें भी एक कॉपी दी गई थी जिसमें वही जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी जिनकी, उन्हीं को वो मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, यानी कि जो ये जांच जिम्मेदारी थी एजेंसी। जिनके उनसे रोकने के लिए उन्हीं को नाम पे, पर चूंकि इस पे अब आगे ज्यादा उस पे बहस नहीं हुई तो इस नामों का उल्लेख करना हमें नहीं लगता कि उचित है। अब नहीं, चूंकि इस नाम पे नाम सुप्रीम बताने कोर्ट में कोई तकनीकी पाबंदी है क्या आप पर, कि सरकार नहीं, अदालत इस पे? चूंकि देखो प्राइमा फेसी जब कोर्ट हिमसेल्फ इज नॉट लुकिंग दैट नेम, तो हमारा भी उतना ही दायित्व होता है कि जब कोर्ट उसको नहीं देख रहा है, सरकार का प्रयास था वो एक तरीके से असफल हो गया ये कह सकते हैं हम। जी, तो सरकार का ये प्रयास एक तरह से असफल हो गया आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, इसलिए मैंने पूछा जानबूझ के, कि मान लीजिए कल को कोई कमेटी बने और उसमें यही नाम हो, तो ये कहा जा सकता ना कि ये नाम आए थे और यही नाम वापस इस ये कमेटी। इसलिए नहीं आ सकते नाम सर कि वो पिटिशनर्स के हमारे पास में भी वो नाम है, और जो भी पिटिशनर थे उस सबके पास नाम है। वो चारों पिटिशनर्स इसमें का नाम प्रशांत दिए थे। भूषण साहब भी अपेयर हुए थे, उन्होंने कुछ जो इन है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके नाम देने की कोशिश भी की उन्होंने, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि आप उनके नाम भी आप यहाँ पे मत लीजिए, और हम इस तरीके की कोई डिबेट नहीं रखना चाहते कि ये पब्लिक कॉन्फिडेंस के जज हैं या इनकी जो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, वो बियॉन्ड डाउटफुल है, इस तरीके की बहस में हम नहीं जाना चाहते। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, और ताकि इन्वेस्टर का और पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सके। जी, तो इसके साथ में जो आपकी याचिका है, जो डॉक्टर जया ठाकुर की तरफ से आपने याचिका रखी, उसमें उस पर क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज
इस मामले की जांच करेंगे, इसकी उम्मीद आपको अभी है या सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया आपको उससे आपको ये उम्मीद आपकी खत्म हो रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हम लोग तो वैसे ही ओवरबर्डन है, पर हम ही कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे ही पास आएगी और हम ही इसको लुकआउट करेंगे, सो अल्टीमेटली वी आर पासिंग। बट प्राइमा फेसी उन्होंने ये कहा, ये माना है, उन्होंने कहा कि चूंकि ओवरबर्डन है नहीं तो वो हमारी प्रेयर एक्सेप्ट करते, और इस चीज को उन्होंने कंप्लीटली डिनाई नहीं किया है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो हमारी प्रेयर थी कि उनकी सुपरविजन में ही इन्वेस्टिगेशन हो, तो चूंकि ऑलरेडी वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट भी ऑब्जर्व करेंगे, तो इनडायरेक्ट रूप से तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होगी।